राजनीति की गलियों में अब आरोप और प्रत्यारोप की गूंज तेज हो रही है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी बयानबाजों का बाजार गरमाया हुआ है। खासतौर से नागौर जिले की खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल और रजपाल मिर्धा के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने चुनावी पारा और भी चढ़ा दिया है, जहां रजपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर रुपयों के लेन देन के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने इसे बुनियादी बताते हुए इसे चुनावी साजिश करार दिया है। अब ऐसे में जानते हैं कि क्या कुछ है पूरी कहानी। हनुमान जी कौन करे, हनुमान जी में मन फर्क है। हनुमान जी देखो, खड़ो करे तो पया, बैठाने तो पया, हुआने तो पया, उठाने तो पया, होटली को माने पया कौन दे यार। मांगे तो गरम जूता लागे, माने कौन पया दिया भाई, कभी दिया रे कोई होटल नोटी जरा बस। मांगे तो हजारों करोड़ रुपया आयोड़ा पड़िया है, रगड़ो खाई है भाई। हाँ ये जानो कितना रुपया आया मांगने धारला एमएलए इलेक्शन में लच्छाराम बडाड़ा परबसों टिकट मांगना या 50 लाख इधर गया पहले। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के चलते नेताओं के बीच जुबानी जंग के हमले तेज हो गए हैं। खींवसर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। ताज़ा मामला जब सामने आया, जब रजपाल मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच छिड़ी इस जंग ने नया रूप ले लिया। खींवसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान जब रजपाल मिर्धा से सवाल पूछा गया कि वे कांग्रेस में जब थे तो कांग्रेस जीतने की बात करते थे, तो वहीं अब बीजेपी में है तो वहां पर भी जीत का दावा कर रहे हैं। इस पर मिर्धा ने कहा कि जिस भी पार्टी के साथ हो उसी के साथ पूरी वफादारी के साथ वे काम करते हैं, लेकिन जब उनसे हनुमान बेनीवाल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेनीवाल पर निशाना साधते हुए हमला करते हुए कहा कि बेनीवाल हर पार्टी से जुड़कर रुपयों का लेन देन करते हैं। मिर्धा ने आरोप लगाया है कि बेनीवाल ने पिछली बार परबतसर से टिकट के लिए लच्छाराम बडायल से 50 लाख रुपये लिए थे। मिर्धा ने यह भी कहा कि हमें तो कोई पैसा नहीं देता, उल्टा हमारे घर से ही जूता लगता रहता है, जबकि बेनीवाल ने खूब पैसा खाया है। साथ ही ये बयान अब चुनावी माहौल को और भी गर्मा चुका है, जहां बेनीवाल और उनके समर्थक इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि खींवसर विधानसभा उपचुनाव में जनता किसे चुनती है और ये सियासी लड़ाई किस ओर रुख करती है। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की सियासत में यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावी नतीजों पर किस तरह से असर डालता है। चुनावी मैदान में कौन विजय होगा और कौन हार का सामना करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सियासी गलियारों में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।